हेलो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं आपको लेकर अपने फैक्ट्री में जहाँ पे हमारा माल बन रहा है। तो देखिए ये क्या है, प्रोसेसिंग होने के बाद ये सुखाया जा रहा है माल को। आज हम दिखाएंगे आपको कि कैसे माल को मतलब वॉश में, माल बनने के बाद कैसे वॉश होता है और उसको कैसे आगे प्रोसेस किया जाता है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं हमारे वॉश फैक्ट्री में जहाँ पर हमारा माल खुद का बन रहा है, और आपको चलिए हम आगे दिखाते हैं। तो ये भी हमारा फैक्ट्री है जहाँ पर हमारा माल बनता है। बेसिकली माल सिलाई होने के बाद, मतलब जो प्रोडक्ट है वो सिलाई होने के बाद, स्टिच होने के बाद वो कैसे होता है, ये ऐसा आपको दिखेगा। ये आप जो देख रहे हो ये कच्चा पीस है। ऐसे माल पहले रेडी किया जाता है, ये इसे कच्चे का कलर है। फिर इसके बाद इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है। स्प्रे होने के बाद ये आपको स्प्रे ऐसा आएगा, एक स्प्रे का मैं दिखाऊंगा अभी कैसे स्प्रे किया जाता है। हम लोग का ही सैंपल है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको टम्बलिंग में डाला जाता है वहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हो। अभी जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, ये अभी क्या माल, ये अभी वॉश हुआ है क्या? ये हाँ, जस्ट अभी ये वॉश होके आया। अभी इसमें ये डिजाइन है, ये इसका डिजाइन है। इसमें अभी ये स्टिच वगैरह काटा जाएगा इसका। अच्छा, ये अच्छा। धागा फागा ये पैकिंग में काटा जाता है, ये स्टिच का जो भी आप थ्रेड देख रहे हो ना, जी जी, इसको ये काटा जाता है जी। जैसा कि आप देख रहे हो ये कलर है और यहाँ पे कलर है जी। तो ये सारा ये भी वॉश हो चुका है, ये भी अलग डिजाइन है। अब इसको पैकिंग में हम लोग भेजेंगे यहाँ पे, जहाँ पे आयरनिंग होगा, ये थ्रेड काटा जाएगा, यहाँ पे बटन लगेगा और रिपीट वगैरह जो दिया जाता है वो यहाँ पे रिपीट वगैरह लगेगा इसके बाद। अच्छा अच्छा, ठीक है। माल पहले हम लोग लाते हैं, उसको इसमें टम्बलिंग किया जाता है। अच्छा, ठीक है। टम्बलिंग में इसी में कलर वगैरह देके कलरिंग होता है जी। फिर उसके बाद स्प्रे में माल भेजते हैं, फिर उसको सुखाया जाता है। इसके अंदर होता है जो माल के अंदर आप सॉफ्टनेस देखते हो, वो सब आपको सॉफ्टनेस इसी के अंदर हम लोग लाते हैं जी। और यहाँ पे देखिए गैस के थ्रू यहाँ पे थोड़ा आग निकलता है यहाँ पे, और फिर इसमें सॉफ्टनर डाल के इसको सॉफ्ट किया जाता है। फिर उसके बाद फिनिशिंग होके उसके बाद ये तीन चार कलर में प्रोडक्ट अपना रेडी हो जाता है जी। जी जी। तो यहाँ पे जो आपकी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर में जो आपका यूनिट है, वॉशिंग का यूनिट है ये। हाँ जी। तो इसमें आपका जो कच्चा माल स्टिच होने के बाद यहाँ पे वॉशिंग होकर कैसे आता है, और यहाँ पे आकर के माल आपका तैयार होकर रेडी होकर बनता है। ये जैसे वॉशिंग होकर निकल चुका है माल, ये ना, ये गीला माल है जो टम्बलिंग होकर के निकला है कलरिंग से। समझ गए। ये तो हुआ जींस का। आपका जींस में कलर अपने बनाते हैं, ब्लू कलर में आता है, उसमें तीन चार कलर आप बना सकते हो। ब्लू होता है, स्काई ब्लू होता है, बांटा कलर होता है, फिर डार्क ब्लू होता है। आप उसको ब्लैक करना चाहो तो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। कलर उसमें बहुत सारा रहता है। आप बात करते हैं कॉटन का, ठीक है। कॉटन फैब्रिक बेसिकली सेम कलर में ही रहता है, आप जैसा कि देख पा रहे हो। बस इसमें क्या होता है, आप ना इसको सॉफ्ट कर देते हैं अपने टम्बलिंग में डाल के, इसमें एक सॉफ्टनर डालकर हम लोग इसको सॉफ्ट कर रहे हैं जी। और इसमें कलर का कोई खेला नहीं रहता है, कलर प्रिंटेड आता है। उसको हम लोग सिर्फ वॉश करके, बाई वॉश करके उसको निकाल देते हैं, फिर वो पैकिंग में चला जाता है। और फिर पैकिंग से आप लोग कस्टमर के पास ये कॉटन सप्लाई हो जाता है। तो कॉटन में ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है, उसको सिर्फ लोग बाई वॉश कर रहे हैं। बाई वॉश करके डेनिम में होता है, स्प्रे होता है, फिर आप मतलब वॉश किया जाता है, फिर उसको कलरिंग किया जाता है, फिर उसमें स्प्रे किया जाता है। जैसे कि आप सेटअप देख रहे हो, इसमें हम लोग सारा चीज़ आपको दिखा रहे हैं जी। तो अगर आपको डायरेक्ट हम लोग से माल लेना है, जैसे कि आप देख रहे हो हम लोग फैक्ट्री में हैं, तो जैसा कि आप जान रहे हो, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अभी हम लोग खुद का प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो हम लोग फैक्ट्री में हैं, तो आपको ये समझ के रखिए आपको यहाँ से डायरेक्ट आप माल ले रहे हो, कोई बीच में कोई आपका मीडियोकर, कोई ब्रोकर नहीं है। तो आप डायरेक्ट फैक्ट्री से माल लेके डायरेक्ट आप अपने रिटेल में सेल कर सकते हो, और आपको अच्छा दाम मिलेगा और सस्ते में आपको माल मिलेगा। आप बेसिकली बड़ा बाजार या कहीं से भी माल लेते हो तो आपको एक ब्रोकर या होलसेलर के थ्रू लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास होलसेलर भी है, बट हम लोग अभी डायरेक्ट रिटेल में भी डील करना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि हमारा खुद का प्रोडक्शन है। तो आपको सस्ते रेंज में माल मिल जाएगा, सस्ते रेंज करते रहिए। तो हमें आप और एक चीज़ भी, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम लोग नया नया चीज़ आपको बताते रहे, आपको नया नया प्रोडक्ट अपडेट करते रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नया नया वीडियो भी देखने को मिले और कुछ नई चीज़ें जानने को भी मिले।